हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए। आप लोगों को अरिहंत बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, अरिहंत बुक का, इसमें चैप्टर नंबर 13 साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, जिसमें अभ्यास प्रश्नों का यह पार्ट 3 है बच्चों। इससे पहले सेकंड और फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा और विगत वर्षों के प्रश्नों का भी पार्ट मिल जाएगा। तो यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 out of 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है और नवोदय विद्यालय में पढ़ने का जो सपना है उसे पूरा करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों को इन दोनों ही बुक जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, एक है आप लोगों के लिए क्लास 6 की अरिहंत की 2023 की बुक और दूसरी है आप लोगों के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की 2023 का जो नया एडिशन है, इस बुक दोनों का ही हम फुल सॉल्यूशन आप लोगों को करवा रहे हैं। आप दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी इस बुक का सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा, इस बुक के सॉल्यूशन आप लोगों को ऑलरेडी चल रहे हैं, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और लैंग्वेज, आपकी जो इंग्लिश है, दोनों सभी की बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभ्यास प्रश्न वाली क्वेश्चन हम करने वाले बच्चों, यह क्वेश्चन जो आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में सॉल्व करा दिए गए हैं। तो आज जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे वो यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11 से अभ्यास प्रश्नों का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को दिया गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 अब आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है 1000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। क्या दिया गया है? 1000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज आप लोगों को निकालना है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं साधारण ब्याज निकालना। तो आप देखेंगे कि सर जी, साधारण ब्याज का फॉर्मूला पहले तो लिखना होगा हमें। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो हम कहेंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है बच्चों साधारण ब्याज का फॉर्मूला? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये होता है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब इसे अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो देखिए मूलधन कितना है, तो वह राशि जो हमने किसी को उधार दी है, किसी से उधार ली है या जमा की है, तो वह राशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। तो यहां पर देखिए 1000 रुपए, ये क्या है बच्चों? मूलधन है। 1000 रुपए क्या है? मूलधन है। दर कितनी है? तो रेट देखिए कितनी है, 20%। समय कितना है बच्चों? तो 3 वर्ष का समय दिया है। डिवाइड किससे करते हैं? 100 से। ये तो फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है, हमें कुछ अलग से तो करना नहीं है। अब यहां देखिए 10 से 10 कैंसिल, 2nd 0 से 2nd 0 कैंसिल। अब आप यहां देखेंगे तो क्या है बच्चों? तो यहां पर देखिए 10 × 20 × 3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 600। क्या हो जाएगा बच्चों? 600। तो यहाँ पर जो हमारा ब्याज है वह क्या निकल कर आया, जल्दी से बताइए। तो हम कहेंगे गुरुजी 600 निकल कर आया है। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो राइट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 गुना है, 2/5 हो जाता है, 2/5 हो जाता है, गुना नहीं दिया है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन भैया थोड़ा सा टफ, क्वेश्चन में हमें एक समान के करना है, तो जब एक समान के करना होता है तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो बस देखिए, जरा ध्यान से देखते चलेंगे, आप समझ जाएंगे कि करना क्या है, काफी इजी है। अभी आपको समझा देता हूं। मूलधन हमें पता है क्या बेटा? नहीं, मूलधन हमें नहीं पता। तो हमने मान लिया कि सर जी मूलधन है x, मूलधन हमने क्या मान लिया बच्चों? x मान लिया। x मान लो a b c d अल्फाबेट में कोई सी भी राशि मान सकते हैं आप, है ना? तो आप x मानते हैं, जनरली x से ही सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आपने क्या माना कि मूलधन क्या है बच्चों? x है। अब क्या कहा जाता है कि यहां पर देखिए समय दिया है आपको, दर आपको निकालना है। दर आपको क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। यहां पर हमने लिख लिया कि जो दर है बच्चों यह हमें फाइंड करना है। समय हमें दे दिया है बच्चों, समय कितना दिया है? तो आप देखेंगे कि समय हमें दिया है 10 वर्ष। समय कितना दे दिया बच्चों? 10 वर्ष का समय हमें दिया है और हमें ब्याज भी दे दिया है।
आप देखिए कि ब्याज कितना दिया है, तो हमसे क्या कहा गया है, जो ब्याज है यह मूलधन का 2/5। देखिए ब्याज क्या है, मूलधन का 2/5 है, ब्याज जो है मूलधन का 2/5 है। अब इस का मतलब क्या होता है, अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा है हमसे तो हमने बताया कि की वैल्यू क्या होती है बच्चों, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और यहां पर मूलधन हमने क्या मान रखा है, एक्स, मूलधन क्या मान रखा है, एक्स, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 2x/5। तो देखो ब्याज हमारा क्या निकला बच्चों, तो हम कहेंगे सर जी ब्याज हमारा निकला 2x/5, तो हमने यहां पर लिख दिया 2x/5। समझ में आया, इतना समझ में आ गया आपको, ये 2 अच्छे से नहीं दिख रहा क्या, तो 2 बना देते हैं अच्छे से, 2x/5 ये हमारा निकल गया बच्चों ब्याज। इतना समझ में आ गया आपको, अगर इतना समझ में आ गया है ना तो बस फिर तो आपने आंसर कर लिया, जब जीत लिया है, समझ लीजिए इसका आंसर हम लोग कर लेंगे। तो आप देखिए इसे हम अलग भाग में रखते हैं ताकि हमें मिले ना। आप देखिए साधारण ब्याज की बात कर ली जाए बच्चों, तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वह लगाएंगे, तो साधारण ब्याज के फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी साधारण ब्याज के फार्मूले के अनुसार मूलधन गुणा दर गुणा समय, क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और डिवाइड में क्या आ जाता है 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या आता है बच्चों 100 आता है। अब मान रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा, चलिए मान रखते हैं। अब मूलधन कितना दिया है बच्चों, तो हमें तो मूलधन दिया ही नहीं, हमने क्या मान लिया है मूलधन को, एक्स, मूलधन को हमने क्या माना बेटा, एक्स माना है, मूलधन को हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो एक्स रख दिया हमने। अब आगे देखिए दर कितनी है, तो दर देखिए क्या है, दर तो हमें ज्ञात करना है सर जी, तो दर ऐसे ही लिखी रहेगी। समय बताइए, तो समय देखिए क्या दिया है बच्चों, रुकिए एक मिनट, हाँ समय देखिए क्या दिया है, तो समय हमें दे रखा है 10 वर्ष, समय दिया है बच्चों 10 वर्ष, और डिवाइड में क्या आएगा 100। अब ब्याज की राशि, ब्याज का मान रखना है, तो ब्याज कितना दिया, देखिए ब्याज हमने निकाल लिया सर जी 2x/5, क्या निकाला बच्चों 2x/5 ये लिखा हमने। आप देखिए 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, अब जो नंबर बचे हैं बच्चों हमें किसका मान निकालना है, दर का, तो इन नंबर्स का हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नंबर नीचे। आप देखिए हमें निकालना क्या है बच्चों, तो हम इधर से लिखते हैं थोड़ा सा, अब हमें निकालना, चलिए यहीं लिखते हैं, अब हमें निकालना है दर, ये बराबर का साइन, तो नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देखिए 2x/ क्या हो गया बच्चों 10, क्योंकि ये 0 कैंसिल हो गया है। अब ऊपर वाले नंबर देखिए 5 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया x, और ये 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 आएगा तब भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ 10 होता तो 10 आता, x आ जाएगा और ये दर। अब देखिए यहाँ पर इस x से हम ऊपर वाले x को काट देते हैं बेटा, क्या हुआ इस x से ऊपर वाले x को काट दिए, और आप देखिए 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो आप बताइए दर कितनी निकली बेटा, तो दर देखिए क्या बची 2 मल्टीप्लाई 2, दर निकालना है ना, तो आप बताइए कितना हो गया, ये दर कितनी हो गई, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 4% क्या है बच्चों इसकी रेट है। तो समझ में आ गया, ये भाग आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, आपको लिखना नहीं होता जब हम इसे सॉल्व करते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है, इसे आपको ये नहीं लिखना होता, हम एक शख्स मान लेते हैं और ब्याज भी हम मान लेंगे कि उसका 2/5, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, वो तो आपको मैंने समझाया कि हम ब्याज बनाएंगे कैसे, ब्याज होगा कैसे। आप लोग जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों, तो यह आप लोगों को बहुत सरल लगने लगेगा, अभी कॉन्सेप्ट भी हम आपका क्लियर करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या लग रहा होगा कि सर लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं, बिल्कुल शॉर्ट से आसानी से हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी हो जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं, सारी चीजें डिटेल में दिखा रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे सर जी यहाँ पूछा है, एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी 16%, 4000 2 वर्ष के लिए उधार लिए, 2 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्रधन देना पड़ेगा, 4000 उधार तो लिए, अब 4000 वापिस देगा, साथ में उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा, तो वही हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अब ब्याज निकालना है बच्चों। सबसे पहले देखिए मैंने आपको 10 रुपए उधार दिए और उसका ब्याज बना बच्चों 2 रुपए, उसका ब्याज कितना बना 2 रुपए, तो आप मुझे मेरे 10 रुपए तो वापिस देंगे ही देंगे, साथ में आपको क्या देना पड़ेगा, जो ब्याज बना है 2 रुपए वो भी तो मुझे वापिस देना होगा, तो कुल मिला के आप मुझे कितने वापिस दे रहे हैं,
₹10 तो वापस दे रहे हैं, साथ में ₹2 वापस दे रहे हैं, तो टोटल कितने हैं ₹12 वापस दे रहे हैं। तो वो 12 क्या है बच्चों? मिश्रधन। क्योंकि मिश्रधन जो होता है बच्चों वो मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है। मूलधन है 10, ब्याज है 2, दोनों को प्लस कर दीजिए, योग मतलब कि प्लस होता है, तो 10 और 2 12, तो आप मुझे कितने वापस करेंगे? ₹12। वैसे ही यहां पर है 4000 उधार लिए हैं, पहले ब्याज पता करना पड़ेगा, फिर दोनों को मिलाकर वापस करना पड़ेगा। तो ब्याज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो वह है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उसे रखते हैं, तो देखिए साधारण ब्याज के फॉर्मूले के अनुसार क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या है बच्चों? मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड में क्या आ गया? 100। अब यहां पर देखिए मूलधन देखिए कितना है बच्चों, तो यहां पर हम कहेंगे जो राशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है वही क्या होता है सर जी? वही तो मूलधन होता है। तो 4000। दर कितनी है देखिए, तो यहां पर दर है 16%। रेट कितना, जो टाइम है वो कितना है? तो यहां देखिए 2 वर्ष। दर समय कितना बच्चों? 2 वर्ष। डिवाइड में क्या आएगा? 100 आएगा। अब इसे हम सॉल्व करें तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल, क्या बचा? 40 × 16 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 16 × 4 जा कितना होता है 64 और 0 का 0, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1280 हो जाएगा। तो इसका जो ब्याज निकल कर आया कितना निकला? 1280 रुपीज। 1280 रुपीज इसका क्या निकला बच्चों? ब्याज निकला। यहां से हमने निकाल लिया, ये है हमारा ब्याज, ये क्या बच्चों? ब्याज निकला। अब ब्याज निकला है तो बताइए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, कोई मिश्रधन विश्रधन वाला फॉर्मूला नहीं लगाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब हमने किसी से उधार लिए 4000 रुपए, तो ये 4000 तो हमें उसे वापस देना ही होगा। मान लो हमने 2 साल 4 साल जितने का भी ले लिए, उसके बाद तो वापस देना होगा। अब उस पर हमें ब्याज भी देना होगा, तो ब्याज कितना बना? 1280 रुपीज। तो 4000 तो ये देना पड़ेगा, साथ में ये राशि देना है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा हमें टोटल रुपए कितने देना है। और जब दोनों को प्लस किया जाएगा तो वही तो मिश्रधन कहलाता है। तो देखिए मिश्रधन क्या होता है बच्चों? मिश्रधन जो होता है यह होता है मूलधन धन ब्याज। क्या होता है? मूलधन धन ब्याज, यह होता है आपका मिश्रधन, मूलधन धन ब्याज। आप देखिए मूलधन कितना है बच्चों? तो जो उधार हमने लिया है या उधार दिया है तो यह क्या था हमारा? 4000। कितना था? 4000। ब्याज कितना बच्चों? 1200 कितना है? 80। अब इसे जोड़कर हमें टोटल कितने रुपए वापस करना है? तो देखिए करते हैं, 0 में 0 के ऐड किया तो 0, 8 में 0 ऐड किया तो 8, 2 में 0 ऐड किया तो 2, 4 में 1 किया तो 1। करेक्ट आंसर देखिए कितने रुपए टोटल वापस करना है? 5280 रुपीज। कितने बच्चों? 5280 रुपीज हमें क्या करना है? रिटर्न करना है, वापिस करना है। समझ में आ गया अच्छे से? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। और दोनों ही बुक्स अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन, साथ ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां से सारा अपडेट लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया आप देखेंगे, यहां पर दिया कुछ आदमियों ने 5 मार्च को ₹130 कर्ज लिया। कितनी तारीख को ले लिया भैया? 5 मार्च को लिया और 10 अक्टूबर को इतने रुपए चुकाया, तो ब्याज की दर कितनी है आपसे पूछा गया है। देखिए ₹130 उधार लिया और 133.9 रुपीज क्या किया? रिटर्न किया। तो ये जो 3.9 रुपीज एक्स्ट्रा आया बच्चों, ये क्या है? ब्याज है। ये क्या है बच्चों? ब्याज है। समझ गए आप लोग? यह हमारी भाषा में आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा। इतना तो भैया हमारा है मूलधन प्रिंसिपल, और ये टोटल राशि दे रहा है रिटर्न, मतलब ये क्या है बच्चों? मिश्रधन ब्याज ऐड करके दे रहा है, तो इसमें से इसे माइनस किया तो क्या हो गया? ब्याज कितना हो गया? 3.9 रुपीज। ब्याज क्या हो गया बच्चों? 3.9 रुपीज। तो देखिए आपको जो जो पता चल गया वो लिखते जाइए। मूलधन कितना है बच्चों जो उधार लेते हैं या उधार देते हैं? 130 रुपए। ब्याज क्या हो गया? तो हमने 133.90 में से 130 को जब घटाएंगे बच्चों तो यहां पर आएगा 3.90 रुपीज। आप देखिए समय भी नहीं दिया है, दर भी निकालना है। समय अभी हमें यहां दिया है, समय कितना है यह हम यहां निकालेंगे। तो देखिए समय हमें पता करना है, दर हमें निकालना है। तो समय देखिए क्या बोलता है, 5 मार्च को उधार लेता है, 5 मार्च को उधार लेता है और रिटर्न कब करता है बच्चों? 10 अक्टूबर को। रिटर्न कब करता है? 10 अक्टूबर को यह वापिस करता है। आप यहां पर कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए।
5 मार्च को उधार लिया। अब मार्च के मंथ में कितने दिन आते हैं बताइए। तो आप कहेंगे सर जी मार्च के मंथ में होते हैं 31 डेज। चलिए यहां पर मैं साइड में लिखता हूं ताकि आप समझ सके। मार्च से स्टार्ट करते हैं, मार्च में कितने डेज होते हैं बच्चों 31। अप्रैल में कितने होते हैं तो आप कहेंगे सर जी 30। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई में कितने होते हैं तो आप कहेंगे 31। जून में कितने होते हैं बच्चों तो जून में होते हैं 30। जुलाई में कितने होते हैं तो जुलाई में होते हैं 31। और अगस्त में कितने होते हैं तो अगस्त में भी होते हैं 31। अक्टूबर में कितने होते हैं बच्चों तो अक्टूबर में होते हैं 30। पर अक्टूबर में हमें पूरा 30 नहीं लेना है, अक्टूबर में सिर्फ कितने दिन लेना है 10 दिन। अक्टूबर में कितने दिन लेना है 10 दिन। अब ये समझ में आया। आप देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, समय कितना है। तो बच्चों जिस दिन राशि उधार दी जाती है या उधार ली जाती है उस दिन को काउंट नहीं किया जाता है, मतलब इस 5 तारीख को काउंट नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करें कि मार्च के कितने दिन हुए तो 31 में से हम 5 को माइनस कर दें। तो 31 में से 5 माइनस किए तो कितने दिन का ब्याज लगा 26 डे का। कितने दिनों का ब्याज लग रहा है मार्च में 26 डे का ब्याज लग रहा है बच्चों। तो यहां पर मैं साइड में लिखते जाता हूं आप देखिएगा, ठीक है 26 डे का यहां पर क्या लग रहा है। चलिए यहां पर कर लेते हैं फिर हम समझा देंगे आपको बाद में एक्स्ट्रा से। यहां देखिए मार्च में कितने दिनों का ब्याज लगा बच्चों 26, क्योंकि 31 में से 5 को हमने क्या किया माइनस। 5 मार्च मतलब 5 दिन शुरू के नहीं गिनना है, बाकी के 26 दिनों का ब्याज लगेगा। अब यहां पर देखिए अप्रैल में कितने दिनों का ब्याज लग रहा है 30 डेज का, मई में कितने दिनों का 31 डेज का, जून में कितने का 30 डेज का, जुलाई में कितने का 31 डेज का, अगस्त में भी 31 डेज का, और अक्टूबर में कितने का ब्याज लग रहा है 10 डेज का, क्योंकि 10 अक्टूबर को वह पैसा हमारा वापिस कर देता है। अब टोटल कितने दिनों का ब्याज लगा हम ऐड कर ले तो देखिए 6, 1, 7 और 1, 8 और 1, 9 इधर करते हैं तो देखिए इस वन को यहां पर 3, 2 में मिला दे तो 3 हो जाएगा। 3, 1 जा 3, 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15, 3, 6 जा 18। तो 189 डेज का ब्याज लगा। कितने दिनों का ब्याज लगा बच्चों 189 डेज। तो बस अब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं यहां पर जो हमारा समय है बच्चों वो कितना है 189 दिन। 189 दिनों का हमारा क्या लग रहा है बच्चों ब्याज, 189 दिनों का हमारा क्या लग रहा है ब्याज। अब हमें निकालना है कि हमारा जो रेट है ये कितनी है। तो चलिए कर लेते हैं अब इसे। अब साधारण ब्याज का लगाएंगे बच्चों फार्मूला, साधारण ब्याज का क्या लगाएंगे फार्मूला। तो साधारण ब्याज बराबर से क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है बच्चों। साधारण ब्याज बराबर से क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। इतना समझ में आया आप लोगों को। इस भाग को अलग कीजिए, इस वाले भाग को भी अलग कर दीजिए, हमें बीच में करना है। मूलधन गुणा दर गुणा समय, यह तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। अब क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा, इतना बड़ा नहीं करना है, यह तो आपको सिर्फ अब जब आप सॉल्व करना सीख जाएंगे तो ऑलरेडी आप लोगों को आने लगेगा बच्चों, तो यह नहीं करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि सर जी यहां पर जो जो राशि दी है उसे पहले लिख लेते हैं। तो आप देखिए कि मूलधन कितना दिया है तो हम कहेंगे सर इसका फॉर्मूला भी 100 लिखना बाकी बच्चों, फार्मूला पूरा अब हुआ, फार्मूला मान रखते हैं। मूलधन कितना है देखिए 130, यहां साइड से देख के जल्दी जल्दी लिखते जाइए 130 मल्टीप्लाई रेट कितनी है वो तो हमें निकालना है। समय कितना है 189 डेज। आप देखिए 189 डेज नीचे है 100। अब इसे कैसे लिखेंगे बच्चों 189 डेज आया तो हमारा जो फार्मूला है बच्चों वो तो ईयर का है, वर्ष में यहां पर हम मान रखते हैं। आपने इतने क्वेश्चन करे होंगे, आप सभी ने देखा होगा कि हम ईयर वाली वैल्यू यहां पर रखते हैं, वर्ष वाली मतलब यहां पर मान कितना माना चाहिए वर्ष में। तो यहां पर समय कितना हो जाएगा बच्चों तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो 365 डेज। जब हमें नहीं दिया जाए कि वह लीप ईयर है तो हम मानेंगे कि 365 डेज। तो हमारा जो समय है बच्चों वह क्या बना तो आप देखेंगे हमारा जो समय है वो बना है 189 डेज अपॉन में 365। तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 365, ये आ गया बच्चों। अब इधर देखिए ब्याज कितना है तो यहां पर है 3.9 रुपीज, 3.90 है। तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसे पीछे से आप हटा सकते हैं, कोई मतलब का नहीं होता, जनरल में आपका एक जीरो बढ़ाएगा। अब यहां पर आप देखिए इसे सॉल्व करना है तो इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं, जब इसका पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो पॉइंट का नीचे आएगा 1, पॉइंट के नीचे क्या जाएगा 1। अब जब पॉइंट के बाद देखिए यहाँ कितने डिजिट है 1, तो यहाँ पर लग जाएगा 10 और ये पॉइंट हट जाएगा बच्चों। पॉइंट हमने हटा दिया, समझ में आ गया। अब देखिए हमें दर निकालना है तो हम क्या करें, इनका करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई।
इन नंबर्स का क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और दर हमारी निकल आएगी। दर हमें निकालना है तो हमने यहाँ पर दर लिख लिया बराबर। अब देखिए नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाले नंबर नीचे आ जाएंगे। तो नीचे वाले नंबर ऊपर जाएंगे, देखिए यहाँ क्या है 39 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 365 डिवाइड में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 10 मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई 189 इसके डिवाइड में आ गया। अब रेट निकल गए, बस डिवाइड कर दीजिए आंसर आ गया। तो देखिए कैसे करना है, डिवाइड करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 13 का टेबल आपको आता है 10 से 10 काट दीजिए, यहाँ 10 से इस 10 को काट दीजिए। अब यहाँ 13 बना गया, 13 का टेबल आपको आता है देखिए 13 बन जा 13, 33 जा 39, 13 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, 20 तक पहाड़े आप याद कर लीजिए, 3 बन जा 3, 36 जा 18, 33 जा 9। आप देखिए आप इन दोनों को काट सकते हैं, यह दोनों किसे कटेंगे आपको देखना है, तो ये देखिए 7 से कटता है, क्या यह 7 से कटता है, नहीं। तो आप 63 का टेबल ही अगर 5 टाइम ले लेते हैं बच्चों तो यह आ जाएगा। देखिए कैसे करना है कि हम इसे 5 टाइम टेबल कैसे लेंगे, इसके लास्ट में क्या है 5 और इसके लास्ट में क्या है बच्चों 3, तो 3 का टेबल कितने टाइम से लिया जाए कि लास्ट में 5 आ जाए, तो 3 5 जा 15 लास्ट में 5 आता है, तो हम समझ जाएंगे कि 6 से 5 टाइम में क्या होता है। तो देखिए 6 से 5 टाइम में 30 और इससे आ जाएगा आपका आंसर। तो हम करेंगे इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, देखिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 जा 15 कैरी आया 1 और 5 6 जा 30 और 1 मिलाकर 31, तो यहाँ पर तो 350 हो रहा है, तो ये इसका राइट आंसर अभी नहीं निकला, बेस सही गिने थे हमने, तो देखिए 189 बिल्कुल सही गिने थे यहाँ पर। चलिए इसे हमने काटा, यहाँ पर अब इसे हम काटते हैं बच्चों, किस नंबर से कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 5 जा 7 से भी नहीं कट रहा है, तो देखिए किससे काटते हैं, अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई है, क्या है गलती हुई है यहाँ पर देखिए, इस वजह से यह सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो गलती हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुई है। तो देखिए गलती यहाँ पर आपको नजर आएगी कि बेटा यहाँ पर हमने कितने डेज लिए हैं, यहाँ देखिए मैं इसे इधर करता हूँ, यहाँ पर जब हम डेज काउंट कर रहे थे तो देखिए यहाँ पर हमने अगस्त के बाद सितंबर मंथ नहीं लिया है, कहाँ गलती हुई बच्चों, अगस्त के बाद सितंबर मंथ नहीं लिया है, यही गलती हुई है। तो अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर, सितंबर के 30 डेज और अक्टूबर के 10 डेज, ठीक है। आप देखते हैं टोटल डेज काउंट करके कितने हो रहे हैं, तो टोटल डेज आप काउंट करेंगे तो 30 डेज इसके और 10 इसके, तो अब हमें काउंट करना है, तो देखिए कितना हो गया 219, कितना हो जाएगा 219 डेज हो रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, एक मंथ हमारे ध्यान से एकदम उतर गया था। तो यहाँ पर देखिए 219 अपॉन में आएगा 365 डेज, इतने दिन का समय हमें लग रहा है। आप इसे सॉल्व करना है तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर देखिए फिर से सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आप लोग देखेंगे कि मूलधन कितना है, तो मूलधन बच्चों 130 यहाँ पर है और दर कितनी है, रेट तो हमें निकालना है बच्चों, समय कितना दिया है तो 219 अपॉन में 365 और फॉर्मूले में 100 पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ था, तो दोनों के बीच में लग जाएगा मल्टीप्लाई। जो आपका देखिए ब्याज कितना है बच्चों, तो ब्याज हमने माइनस करके निकाला 3.90 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए जब हम पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो नीचे आ जाएगा पॉइंट का 1, नीचे पॉइंट का क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने लग जाते हैं 0 और पॉइंट हट जाता है बच्चों, तो ये पॉइंट हमारा हट गया। अब इसे आगे सॉल्व करना है, तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करें कि हमें दर निकालना है, तो हम सारे नंबर्स का क्या कर दें मल्टीप्लाई, सारे नंबर्स का क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर दर निकल आएगी, देखिए दर इधर हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाएंगे 390 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 365 और ऊपर वाले नंबर नीचे आ जाएंगे 100 के मल्टीप्लाई में, तो 100 मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई 290 सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है, तो आप देखिए फटाफट सॉल्व कर देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो यहाँ देखेंगे 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, 13 बन जा 13, 13 3 जा कितना होता है 39 हो जा 13 3 जा 39, 3 से काटते 3 बन जा 3, 3 7 जा 30, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। अब 73 जो है बच्चों ये प्राइम नंबर है, तो इसका टेबल हमें खुद लेना होगा। तो आप देखिए इसके लास्ट में है 5 और यहाँ पर हमें इसे डिवाइड करना है, तो इसके लास्ट में है 5, इसके लास्ट में 3, तो 3 का टेबल हम कितने टाइम लेके लास्ट डिजिट 5 आता है, तो 3 5 जा 15 लास्ट में क्या आता है बच्चों 3 5 जा 15 लास्ट में 5 आता है। इसका मतलब अगर हम 73 का टेबल 5 टाइम लेते हैं तो हमारा यह आ जाएगा।
तो देखिए इसकी जो रेट है बच्चों वह कितनी निकल कर आई है, तो देखेंगे आप दर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, तो करेक्ट आंसर कितना है बच्चों इसका 5%। रेट कितनी निकल कर आई, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि रेट निकल कर आई है सर जी ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें दिया है 5%, तो ऑप्शन नंबर थर्ड का इसका करेक्ट आंसर। तो ये जानकारी आपको मैं सिर्फ वैसे ही लिखा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, यह हमें लिखना नहीं होता है, जब आप करना सीख जाएंगे तो ये आपको लिखना नहीं होगा, बस इस क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा आपको लिखना होगा, ये आपको सीखना होगा कि देश वाले आ जाए तब जिस दिन ब्याज दिया जाता है जैसे 5 तारीख को, तो उसे हमें नहीं गिना है, लेकिन जिस दिन लिया जाता है उस तारीख को गिना जाता है। तो यहां से यहां तक के टोटल डेज कितने ये निकालना आपको सीखना होगा मंथ के नाम लिखकर, और जो हमने गलती की थी वो आपसे नहीं होना चाहिए, पूरे मंथ के नाम आपको सीरियल से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, चलिए इसका आंसर भी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। यहां पर क्वेश्चन आप देखेंगे तो देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्र धन 540 और 7 वर्ष में मिश्र धन 576 हो जाता है, तो ब्याज की दर देखिए यहां तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन हम यहां पर सब बना सकते हैं, इसकी होती है बच्चों ट्रिक, देखिए कैसे यह आपको आसान हो जाएगा, करके दिखाते हैं हम, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लग रहा होगा टफ है पर बहुत इजी है। क्या दिया है 5 वर्ष में, यहां देखिए 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हुआ, तो ये हो गया 540, कितना है बच्चों 540, चलिए मैं इसे नीचे साइड लिख लेता हूं ताकि आप समझ जाएं, 5 वर्ष में कितना हो गया 540, 5 वर्ष में कितना ब्याज, कितना मिश्र धन 540, और आगे बोल रहा है 7 वर्ष में यह हो जाता है बढ़कर 7 वर्ष में 576, 7 वर्ष में कितना बढ़ जाता है बच्चों 576 हो जाता है। तो अब यहां देखिए कि 2 वर्षों में कितना डिफरेंस आया, 5 वर्ष में इतना था 7 वर्ष में इतना आया। अब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों वह हर साल उतना ही बढ़ता है जितना होता है, जैसे एक साल में 2 रुपए बढ़ेगा तो दूसरे साल भी 2 रुपए बढ़ेगा, तीसरे साल भी 2 रुपए बढ़ेगा, चौथे साल भी 2 रुपए ही बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक समान बढ़ता है, एक जैसा बढ़ता है। तो आप देखिए 5 वर्ष में था यह 540 रुपए मिश्र धन, जो मूलधन और ब्याज दोनों का योग था, अब 7 वर्ष में यह हो गया इतना, मतलब ये जो एक्स्ट्रा राशि बढ़ी है वो क्या बढ़ी बच्चों, ब्याज, 2 वर्षों का ब्याज बढ़ा है, तो इसे हम घटाते हैं तो देखिए यहां पर बचेगा 2 वर्ष, कितना बचा 2 वर्ष, और यहां माइनस की दे तो देखिए क्या बचेगा 6, 7 में 16 गया 3, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना 36, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बच्चों, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 18 रुपीज, 1 वर्ष का 2 वर्ष का है 36, तो 1 वर्ष का कितना उसका हाफ 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 18 रुपीज। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज है 18 रुपीज, 1 वर्ष का ब्याज है 18 रुपीज, तो ये अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 1 वर्ष का ब्याज आपने निकाल लिया, कैसे निकालना था तो समझ गए, देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिए समझ गए, तो जो ब्याज है बच्चों 1 वर्ष का, 1 वर्ष भी लिख देता हूं मैं आप लोगों को, चलिए यहीं से समझा देता हूं अभी, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आया बच्चों, 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आया 18 रुपए, तो शुरू में हमें मिश्र धन कितने वर्षों का दिया है 5 वर्षों का, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना बना होगा, 5 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, देखिए बच्चों 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज देखिए तो कितना हो जाएगा 18 × 5, मतलब कितना 19 रुपीज, 1 वर्ष में ब्याज बन रहा है 18 रुपीज, तो 5 वर्ष में कितना बनेगा बच्चों 19 रुपीज। तो देखिए 5 वर्ष का जो मिश्र धन था बच्चों, अब मिश्र धन क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं, मिश्र धन जो होता है वह मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है, मिश्र धन क्या होता है बच्चों, मिश्र धन जो होता है यह मूलधन और ब्याज का योग होता है, इन दोनों को जोड़कर ही मिश्र धन बनता है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो आप देखिए मिश्र धन हमें 5 वर्षों का दिया है 540, मूलधन तो हमें पता नहीं है, लेकिन 5 वर्षों का ब्याज हमने निकाल लिया है 90 रुपीज। अब मूलधन हमें निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे इसका इधर साइड चेंज करेंगे, तो देखिए इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस है इसके आगे तो अब क्या हो जाएगा माइनस, बस 540 में से आप इतना माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ गया, तो आप इसे माइनस करेंगे तो देखिए क्या आंसर आया आपका, जो प्रिंसिपल है बच्चों निकल कर क्या आया है, तो आप कहेंगे कि सर जी मूलधन हमारा निकल कर आ रहा है, अभी रेट भी निकालना है, चलो पहले मूलधन निकाल लेते हैं, मूलधन कितना निकला, तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 9 नहीं जाता, एक कैरी बोरो लेंगे तो 14 में से 9 गया, तो 5 और 4, देखिए क्या निकल कर आया, 2 चीजें हमें पता चल गई जो हमें करना है, देखिए पहला बात तो हमें क्या पता चल गया, मूलधन, मूलधन कितना बच्चों, मूलधन है हमें 450 रुपीज, ये हमने निकाल लिया, ठीक है ये आ गया।
आप देखिए समय की बात कर ली जाए तो समय जो है बच्चों वह कितना, यहाँ पर देखिए जो समय हमने लिया है कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का, कितना 5 ईयर। ब्याज कितना 5 ईयर का, तो आप देखेंगे कि 5 ईयर का जो ब्याज बन रहा है बच्चों वो कितना बन रहा है, या तो फिर आप चाहते हैं तो 1 वर्ष का ले लीजिए कि 1 वर्ष में कितना ब्याज बना, 18 रुपीज। 1 वर्ष में तो कितना ब्याज, 1 वर्ष का समय लिया हमने, अब दर हमें निकालना है बच्चों, और 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होता है, 1 वर्ष का ब्याज बन रहा हमारा 18 रुपीज। तो अब हम दर निकाल सकते हैं क्या, बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे दर भी पूछा गया। क्वेश्चन में ऑप्शन देख लीजिए, आप लोगों को मूलधन तो निकालना ही निकालना है साथ में दर, हम मूलधन देखकर भी आंसर लगा सकते थे, लेकिन देखिए दो जगह 450 रुपीज दे दिया गया है। अब इन दोनों में से कौन सी दर है इसको निकालने के लिए हमें सॉल्व करना ही होगा बच्चों, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखेंगे तो देखिए सारी चीजें हमें पता चल गई, तो अब हम क्या करें बच्चों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए साधारण ब्याज निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज से हमें फार्मूले से ही निकलेगी दर, तो हम यहां लिखेंगे बच्चों साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय। चलिए तो यहां पर देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में क्या आता है 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में क्या आता है 100। अब यहां पर आप देखेंगे तो मूलधन कितना बच्चों, मूलधन देखिए कितना निकाले हमने, 450 रुपीज मूलधन कितना हमारा, 450 रुपीज। दर हमें ज्ञात करना है, समय हमने 1 वर्ष का लिया है, डिवाइड में 100 है, 1 वर्ष का ब्याज कितना बच्चों 18, यहां पर 10 से 10 कैंसिल, दर हमें निकालना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाले नंबर चले जाएंगे ऊपर और ऊपर वाले नंबर आ जाएंगे नीचे। 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 9 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो दर कितनी निकली बताइए, तो 2 2 जा 4%। रेट कितनी है बच्चों, 2 2 जा 4% इसकी रेट निकल कर आ रही है। देखिए करेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, आप कहेंगे कि सर जी हमें करेक्ट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, किसमें बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, 450 रुपीज मूलधन पहले निकाले हमने, फिर हमने क्या किया, हमें सारी चीजें पता चल गई, तो हमने समय, हमें 1 वर्ष का ब्याज पता है, मतलब समय हमने 1 वर्ष ले लिया, ब्याज ले लिया 18 रुपीज, मूलधन भी पता है, तो दर तो आसानी से हम फॉर्मूला लगाकर निकाल ही सकते हैं। यह बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो बच्चों बीच वाला इसमें क्या हो रहा था, पहले आपको 5 वर्षों का दिया, फिर 7 वर्षों का, मतलब 2 वर्ष में कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 32 रुपीज का, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों, मूलधन तो बिल्कुल सेम है, एक बार हमने उधार दे दिया है तो वो तो बिल्कुल वही राशि बनी रहेगी, कम ज्यादा तो होगी नहीं, ब्याज कम ज्यादा होता रहता है, तो 2 वर्षों में ब्याज कितना निकला 32, तो 1 ईयर का कितना हो गया 18 रुपीज बना होगा, जब तो 2 ईयर में 36 हुआ था, है ना, 36 हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम, और रहता है हमेशा इंटरेंस, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर वर्ष उतना ही बढ़ता है, जब 1 वर्ष का इतना है तो 5 वर्ष का कितना, तो 5 वर्ष का 90, तो 5 वर्ष का मिश्र धन हमें दिया था, मिश्र धन में से हमने मूलधन ब्याज को माइनस किया, मूलधन निकल गया, समय भी निकल गया, ब्याज भी निकल गया, तो आंसर हमने लिया है फॉर्मूला लगाकर कि रेट कितनी है 4%। तो ये था बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन का पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही यदि आप लोग इन दोनों बुक्स का, जो आप लोगों के 2023 की सबसे बेस्ट बुक है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 की अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन, साथ ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड, ये दोनों ही सबसे बेस्ट बुक हैं आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन के, और ये सबसे ज्यादा बेस्ट बुक, तो इन दोनों ही बुक का हम करा रहे हैं आपको फुल सॉल्यूशन बच्चों, तो दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर तुरंत चेक करें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ उन लोगों का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों।